एक ह्यूमन जो डेमन्स की आर्मी को ज्वाइन करता है और किसी को भी अपनी असली आइडेंटिटी को पता नहीं लगवाने देता, और वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन भी बन जाता है। ये एनिमे इसी स्टोरी पे रिवॉल्व करती है, जहाँ एक बच्चे को एक डेमन के घर के बाहर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो डेमन बाकी डेमन की तरह नहीं होता, वो बहुत ही अच्छा होता है। इससे पता चलता है कि जिसने भी उस बच्चे को उस घर के बाहर छोड़ा था, वो उस डेमन के बारे में जानता था, और उस डेमन का नाम था होमवर्क, और उस डेमन ने उस बच्चे को पाला पोसा अपने पोते की तरह, और उसे उसने एक मास्क दिया जिससे वो अपनी पहचान छुपा सके, क्योंकि अगर किसी को भी पता चलता कि वो एक इंसान को पाल रहा है तो वो उस इंसान को भी मार देते और साथ ही साथ रोमबर्ग को भी मार देते। रोमबर्ग ने उस बच्चे को आइक नाम दिया, और फिर कुछ साल बाद हमें सीन देखने को मिलता है कि आइक बड़ा हो गया है लेकिन रोमबर्ग मर चुका है। हमें असल कारण देखने को नहीं मिलता कि रोमबर्ग मरा कैसे, पर शायद हमें स्टोरी में आगे देखने को मिल सकता है कि रोमबर्ग कैसे मरा। पर फिलहाल अभी हमें देखने को मिलता है कि जो आइक था वो डेमन लॉर्ड आर्मी का सुपीरियर कमांडर बन चुका है। डेमन लॉर्ड आइक को एक मिशन देता है कि वो जाकर एक नेशन को अपने कब्जे में ले ले, लेकिन आइक जाकर उस नेशन को अपने कब्जे में ले भी लेता है और साथ ही साथ सभी इंसानों को भी छोड़ देता है, और जो डेमन्स और इंसान घायल हुए थे वो उन्हें भी ठीक करवा देता है। जो डेमन आइक के अंदर काम करता है जिसका नाम जीरोन है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वो किसी भी इंसान को बिना मारे भी नेशन को अपने कब्जे में ले लेता है, और इसी बात पर सभी डेमन्स भी और इंसान दोनों उसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो ना ही किसी भी इंसान की जान लेता है, जिससे इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और उनसे टैक्स भी बहुत ही ज़्यादा कम लेता है जिससे उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होती। और जब शहर में कोई काम करवाना होता है तब आइक ह्यूमंस और डेमन्स दोनों को ही काम पर लगा देता है, और जीरोन ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है कि किस तरह डेमन्स और ह्यूमन से मिलकर काम कर रहे हैं, और उसे लगता है कि आइक ही नेक्स्ट डेमन लॉर्ड बनने के काबिल है और कोई नहीं। फिर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलती है जो कि डेमन ही होती है, और उसे आइक की पूरी आइडेंटिटी के बारे में पता है कि वो एक इंसान है, और उसका नाम सेफिरो है। जब आइक उस नेशन को एक हफ्ते में जीत लेता है तो डेमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वो उसे अपने संग मिलने के लिए बुलाता है। तब सेफिरो और आइक दोनों उसके संग मिलने चले जाते हैं, और जब वो मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डेमन लॉर्ड कोई नहीं बल्कि एक लड़की है, और उस डेमन लॉर्ड का नाम है डायरो कूटेन। मुझे पता है थोड़ा अजीब नाम है, पर यही उसका असल नाम है। फिर थोड़ी देर उनके बीच ऐसे ही बात चलती है, और आइक फिर वहाँ से चले जाता है। फिर हमें आइक का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो अपने कैसल में होता है, जहाँ पर वो बड़बड़ा रहा होता है, और वो अपना मास्क भी उतार देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक लड़की उसके पास ही खड़ी थी, और जो वो बड़बड़ा रहा था अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में वो भी उसे पता चल जाता है, और फिर वो कहता है कि तुम किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में मत बताना वरना मैं मर जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है, वो लड़की खुद डरी हुई होती है, तो वो वैसे भी खुद कुछ नहीं बताने वाली थी, और इस तरह से हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही कंटेंट वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बना सकूं। अगर आपको किसी और एनिमे पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, मैं उस एनिमे के बारे में भी वीडियो बना दूँगा। ये इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड था, और जो कि अभी रिसेंटली आया था। अगर आपको एपिसोड 2 की भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बता देना कि आपको सेकंड एपिसोड चाहिए कि नहीं, और इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देना।